चाहिए कि हमने लेके आए हैं, हमारे मंत्री ने बोल दिया है, यह कर आपका दर्द इनको पता नहीं है क्या, आपकी तकलीफ इनको पता नहीं है क्या कि मंत्री जी सुन रहे हैं कि इनकी तकलीफ क्या है, इनकी तकलीफ क्या है करके, तो सबको मालूम है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी को अगर घर दिया जाता है तो उसके रिटायरमेंट के इतने महीनों के बाद है तो उसको घर खाली करना पड़ता है। 50-50 सालों से लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हुई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि रिटायरमेंट के बाद उनको वो घर उसी वक्त अगर खाली करवा देते, अचानक एकदम 40-50 साल के बाद आके खड़े रहना। सर, ये रिहैबिलिटेशन की जो भी बात हो रही है, औरंगाबाद की ही एक आपके पास उदाहरण है, महानगर पालिका के पूरे अधिकारी यहाँ पर बैठे है, ये जो वंदे मातरम हॉल बना उसके बाजू हज हाउस बना, वहां पर पूरी बस्ती हुआ करती थी, और वो वहां पर जब वंदे मातरम हॉल बनाने की बात हुई, हज हाउस बनाने की बात हुई, तो वो लोगों का विरोध था कि ये यहां से नहीं करना। उस वक्त है तो प्रशासन ने ये फैसला लिया कि इनको पूरों को उठा के हम पड़े गांव के अंदर है तो दूसरी जगह देंगे करके, उनको वहां पर रिहैबिलिटेट किया गया। अगर वही नियम के हिसाब से अगर किया जाए तो इनका भी उतना ही राइट बनता है। अब सवाल यह है सर कि उसके अंदर ठीक है कुछ लोगों ने अगर कुछ गलत काम किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो हमारा भी ये नहीं है। एक थोराट भाई बोल के है, वो लेडी अकेले रहती है सर, उसका कैंसर पेशेंट है वो। अभी जो लेडी ने ये बात करी है, उसके दो छोटे बच्चे, ट्यूशन लेके वो काम करती है, उसके हस्बैंड मर गए, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मर गए है। हमारी सिर्फ यही आपसे विनती है कि सरकार की इतनी सारी स्कीम, मुख्यमंत्री घरकुल योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका मकसद ही यही है कि बेघरों को घर देना। तो हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि ये फैसला करिए, ये लोग भी कॉपरेट करेंगे आपको सर, पूरे लोग कॉपरेट करेंगे, हम इसकी गारंटी देते हैं, तमाम जितने भी लोग हैं उसके अंदर, ये सभी गारंटी देते हैं, बशर्ते
कि इनको थोड़ा सा टाइम दे के इनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से जो आज इनके ऊपर जो वक्त आया है उसको हम बैठ के हम तो सुलझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल वो है करके, हरसूल के अंदर जगह है सर, पड़ेगांव के अंदर जगह है, कहीं ना कहीं उनको अगर रिहैबिलिटेट करते हैं या नहीं तो अभी टेम्पररी जो लोग जिनका कुछ भी नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अगर इमीडिएट अगर हम कहीं दे सकते हैं महादा के उसमें या कहीं दूसरी जगह के ऊपर अकोमोडेट कर सकते हैं, तो बस आपसे यही अनुरोध है सर।